नमस्कार, मैं जनपद सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय सत्ता बाजार की रिपोर्ट के आंकड़े आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 3 चरणों के चुनाव हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव टोटल 7 चरणों में होने हैं। 3रे चरण के चुनाव आज हुए हैं, जो लगभग 117 सीट पर हुए हैं। लोकसभा सीट 117 सीट पर आज चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। एक तरफ जहां जनता मतदान कर रहे थे, वहीं कुछ जो राष्ट्रीय स्टोरी हैं वो अपने सर्वे के आंकड़े में जुटे हुए थे। वो एक जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से बूथ पर जनता कौन से राजनीतिक दल के नेता को या उम्मीदवार को जिता रही है, मतलब जिता करके संसद भेजेगी। इस सर्वे ऐसे सर्वे हैं वो कुछ स्टोरी कर रहे थे सभी बूथों पर। राष्ट्रीय स्टोरी मतलब जो राष्ट्रीय सत्ता बाजार है उनके सदस्यों ने इस सर्वे के आंकड़े एकत्रित करके आज 3रे चरण में कौन से उम्मीदवार को, मतलब बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर महागठबंधन के जो सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं, उनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं और उनको क्या सट्टा भाव दिया जा रहा है राष्ट्रीय सट्टा बाजार के तहत, वो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं महागठबंधन की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन को सेकेंड चरण तक 6.52% वोट है वो मिले थे सट्टा बाजार के अनुसार। और जो भाव चल रहा था वो 42 से 47 रुपए चल रहा था महागठबंधन का। महागठबंधन को सेकेंड चरण में 6.52% वोट मिले थे और 42 से 47 रुपए का भाव चल रहा था। और तीसरे चरण मतलब थर्ड फेज के अंदर सट्टा बाजार के अनुसार महागठबंधन को 5.09% वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 5.09% वोट अकेले महागठबंधन के जो 21 जो भी दल हैं महागठबंधन के, उन महागठबंधन के दलों को टोटल 5.09% वोट हैं वो मिले हैं। और आज का जो भाव चल रहा है महागठबंधन का वो है 56 रुपए से लेकर के 61 रुपए तक। मतलब जो स्टोरी 1 रुपए का सट्टा लगाएंगे उन्हें 56 रुपए से 61 रुपए वापस मिलेंगे यदि महागठबंधन की सरकार बनती है केंद्र में। तो अब बात करते हैं अपने बीजेपी और एनडीए दलों की। मतलब एनडीए बीजेपी के जो सहायक दल हैं, मतलब एनडीए के जो सहायक दल हैं उनकी बात करते हैं कि उनको, मैं आपको बता दूं कि 2.95% यानी 2.95% वोट हैं वो एनडीए के जो सहायक दल हैं उनको मिले हैं। मतलब बीजेपी के जो सहायक दल हैं उनको 2.95% वोट हैं वो मिले हैं। मतलब पिछले सेकेंड चरण में जो वोट मिले थे उससे 1.22% की गिरावट है वो एनडीए के सहायक दलों में आई है। वैसे तो सट्टा बाजार, राष्ट्रीय सट्टा बाजार एनडीए के लिए अलग से किसी तरह का कोई भाव तो नहीं दे रहा है, लेकिन यदि बीजेपी और एनडीए दोनों की मिलाकर के सरकार बनती है, यानी 272 सीटें जो चाहिए बहुमत साबित करने के लिए, वो बीजेपी और एनडीए के जो सहायक दल हैं उनके तहत अगर सरकार बनती है, 272 का पूर्ण बहुमत होता है, तो राष्ट्रीय सत्ता बाजार है वो बराबर का भाव दे रहा है। यानी 1 रुपये के बदले 1 रुपये का भाव है वो राष्ट्रीय सत्ता बाजार दे रहा है। अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजनीतिक दल यानी कांग्रेस की तरफ। जो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कांग्रेस से। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के तहत इस थर्ड फेस में मतलब 3रे चरण में जो इसको कांग्रेस को 18.19% वोट हैं वो मिले हैं। यानी कांग्रेस को 3रे चरण में 18.19% वोट मिले हैं, जबकि सेकेंड चरण में मतलब द्वितीय चरण में 2रे चरण में 16.27% वोट है वो मिले थे। वहीं इनके भाव के, राहुल गांधी के भाव की बात करूं तो राहुल गांधी को हाल ही में 3रे फेस के जो चुनाव है वो पूर्ण होने के बाद में आज 85 रुपये से लेकर के 90 रुपये के बीच का भाव है वो राहुल गांधी का चल रहा है। यानी जो स्टोरी 1 रुपये का सट्टा लगाएंगे उन्हें राहुल गांधी के पीएम बनने पर 85 रुपये से 90 रुपये के बीच का भाव है वो दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकेंड चरण में 16.27% वोट है वो कांग्रेस को मिले।
राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार, मतलब राष्ट्रीय सट्टा बाजार की जो स्पेशल रिपोर्ट थी, सर स्पेशल सर्वे थी, उसके आधार पर सट्टा बाजार का मानना था कि 16.27% वोट हैं वो कांग्रेस को सेकेंड चरण में मिले थे, और थर्ड चरण के अंदर 18.19% वोट हैं वो कांग्रेस को मिले हैं, मतलब 1.92% की बढ़ोतरी है वो थर्ड चरण में हुई है। 7 चरणों में से 3 चरण के चुनाव हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि राहुल गांधी पर अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, मतलब फैसले का अपमान करने का जो मुकदमा है वो भी दर्ज हुआ था। इसके अलावा राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत कम है, क्योंकि राहुल गांधी पर हेराल्ड केस, हेराल्ड संपत्ति का केस है वो भी चल रहा है, मतलब 5,000 करोड़ रुपए की हेराल्ड की जो संपत्ति है उसको हड़पने का, मतलब उसका घोटाला करने का मुकदमा भी चल रहा है। इसके अलावा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी कांग्रेस है वो, कांग्रेस पर आरोप है वेस्टलैंड घोटाले हेलीकॉप्टर घोटाले के अंदर 540 करोड़ रुपए की घोटाला है वो कांग्रेस ने किया था, मतलब 540 करोड़ रुपए की घपलाबाजी है वो रिश्वत के तौर पर कांग्रेस के द्वारा ली गई थी। इस वजह से जो क्या है, राहुल गांधी की लोकप्रियता है वो बहुत ही कम है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार का मानना है कि जनता इसी वजह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए उनको थर्ड फेज के अंदर 18.19% वोट हैं वो मिले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो महागठबंधन सरकार से भी बहुत पीछे चल रहा है, मतलब राहुल गांधी की लोकप्रियता है, जो कांग्रेस की लोकप्रियता है जनता में, वो बहुत ही कम है। इससे जो ज्यादा जो वोट प्रतिशत तो महागठबंधन का कम है, लेकिन सट्टा बाजार का भाव है वो बिल्कुल कम है, मतलब जो एक सट्टा बाजार का नियम होता है कि जिस उम्मीदवार का भाव कम होता है वही उम्मीदवार ज्यादा जीत के नजदीक होता है। सट्टा बाजार में राहुल गांधी और महागठबंधन के बाजार भाव में 29 रुपए से लेकर के 34 रुपए का अंतर है, यानी 29 रुपए से 34 रुपए का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर है। सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस से पहले जो महागठबंधन है वो सरकार बनाएगी। अब बात करते हैं एनडीए सरकार की, मतलब बीजेपी सरकार की। बीजेपी से मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने के, जो लोकसभा चुनाव में अगर 272 सीटों का बहुमत साबित करते हैं तो दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जो 117 सीटें जो आज आई है, जो चुनाव संपन्न हुआ 117 लोकसभा सीटों पर, 117 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जो सर्वे की है, जो उनके सर्वे के आंकड़े हुए हैं, उनके हिसाब से बीजेपी को 73.77%, मतलब 73.77% वोट है वो तीसरे चरण में बीजेपी को मिले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले प्रथम चरण में 91 जो सीटें पर चुनाव हुआ था, उसके बाद सेकंड चरण में जो 95 पे हुआ था उसमें भी बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो 73 से ऊपर ऊपर था, मतलब 73% से ऊपर ऊपर वोट मिले थे। फर्स्ट चरण में 76% के लगभग मिले थे, सेकेंड चरण में जो 73% के लगभग मिले थे, और अभी तीसरे चरण के अंदर 73.77% वोट है वो अकेले नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर बीजेपी को मिले हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको 73.77% वोट है वो राष्ट्रीय सत्ता बाजार का मानना है कि अकेले को मिले हैं। मतलब इन तीन चरणों में जो टोटल चुनाव हुए हैं उनमें लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सट्टा बाजार का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की एक तरफा जीत है। जो पीछे के तीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड चरण में जो चुनाव हुए हैं उनमें तो मोदी जी की एक तरफा जीत है। अब मोदी जी के इस थर्ड चरण के बाद में, मतलब तीसरे चरण के बाद में जो बाजार भाव है, सट्टा बाजार का भाव है वो भी अपने जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी को 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले को सिर्फ 1 से 3 पैसे ही वापिस मिलेंगे, मतलब जो स्टोरी 1 रुपए का सट्टा लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने पर, उन्हें पीएम बनने मोदी जी के पीएम बनने के बाद सिर्फ 1 से 3 पैसा ही वापिस दिया जाएगा, मतलब कांग्रेस महागठबंधन से बहुत और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है वो है।
इसी कारण मैं सट्टा बाजार बोल रहा है कि ये जो 3 चरणों में चुनाव हुए हैं, इन 3 चरणों में मोदी जी की एक तरफा जीत है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार, राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार है, वो 1 से 3 पैसे तक का भाव है वो पीएम मोदी जी के लिए दे रहा है, सिर्फ 1 से 3 पैसे का भाव, जो अपने आप में एक बहुत ही छोटा आंकड़ा है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि जिसका भाव सबसे कम होता है जिस उम्मीदवार का या जिस दल का, उसकी जीत उतनी ही नजदीक होती है। वो राष्ट्रीय स्टोरी हैं जो सत्ता बाजार से लिंक रखते हैं, वो जो वहाँ पे 117 सीटों पर जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, जिन बूथों पे चुनाव हुआ है, वहाँ पे वो लोकल में अपनी सर्वे में जुटे हुए होते हैं। जो सट्टा व्यापारी होते हैं वो सर्वे में लगे हुए होते हैं कि कौन सी वहाँ की कौन से बूथ पर जनता कौन से राजनीतिक दल के सदस्य को जिताकर संसद भेजेगी। इस सर्वे के आधार पर आंकड़े एकत्रित करके, आला और सभी 117 सीटों के आंकड़े एकत्रित करके, उसके बाद सट्टा बाजार अपना भाव है वो निश्चित करता है। और आज के जो भाव हैं सट्टा बाजार के, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताए हैं वो भाव हैं। तो दोस्तों, ये आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ये जो आंकड़े हैं ये सही हैं? कितने आपके मायने में कितने सही हैं, कितने गलत हैं? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही बताएं कि 2019 में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी होंगे या फिर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होगा या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी? आप अपना कमेंट है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट है वो जरूर दें। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि लोकसभा जो चुनाव 2019 है उसकी मेन मेन मुख्य मुख्य खबरें हैं वो प्राप्त करने के लिए या सर्वे आंकड़े प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाद उस पास वाला बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।